परी। हाय, कहाँ जा रहे हो? घूमने? वाओ, घूमने जा रही है परी। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल दैट इज TWG व्लॉग्स। इस व्लॉग में आप देख सकते हो कि मैंने अपने परिवार के साथ में 31st की नाइट कैसे और कहां कहां पे स्पेंड की। फिलहाल हम जा रहे हैं अंधेरी ईस्ट में स्थित शेरे पंजाब गुरुद्वारा में, जहां पे कि हर साल 31st दिसंबर की नाइट को कीर्तन समारोह किया जाता है और वहाँ पर लंगर भी रखा जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ही वो गुरुद्वारा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और हाँ, ये गुरुद्वारा मूवीज़ में भी शूट किया जा चुका है। फॉर एग्जांपल कोहराम में जो गुरुद्वारा का सीन है, वो कम्प्लीटली इसी गुरुद्वारे का लिया गया है। तो हम लोग इस गुरुद्वारे के जस्ट साइड से एक रास्ता जाता है, उसके पीछे साइड में एक गार्डन है बहुत बड़ा, तो हम लोग फ़िलहाल उसी पार्क में जाएंगे और बाकी का सब कुछ कार्यक्रम उसी पार्क में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। रात के बज रहे हैं 9, तो इसीलिए अभी तक यहाँ पे क्राउड ज़्यादा नहीं है। जैसे जैसे 10-11 बजेगा, वैसे यहाँ पे क्राउड कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि पहले ही जाके वहाँ पे घूम के आ जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा गार्डन एरिया है जहाँ पे आप मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक के लिए आ सकते हो, आप अपने एक्सरसाइजेस कर सकते हो। इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन, लेकिन आज ये इवेंट के लिए यहाँ पे अच्छे से सजाया गया है ताकि यहाँ पे सब लोग कीर्तन का मज़ा ले सके, लंगर का मज़ा ले सके और अपना 31st यहाँ पे एंजॉय कर सके। ये पूरा ग्रासी लैंड है, मतलब यहाँ पे पूरा घास ही घास है नीचे, लेकिन ये इवेंट के लिए पर्टिकुलरली यहाँ पे ग्रीन कारपेट बिछाया गया है और आगे कीर्तन का समारोह चालू है जहाँ पर आप डेकोरेशन देख सकते हैं। और ये सामने यहाँ पे लंगर का प्रोविज़न किया गया है जहाँ से कि जो भी श्रद्धालु अगर खाना खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। और राइट हैंड साइड में यहाँ पे टी ब्रेक है, भेल अवेलेबल है, इडलीज अवेलेबल है। सो अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन हैव योर रिफ्रेशमेंट्स। बिग फैन। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग नीचे बैठ के खा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़े समय के बाद ही लंगर का प्रोग्राम चालू हो गया था। तो जो भी श्रद्धालु खाना चाहते थे वो खाने चालू कर चुके थे और हम लोग भी बोले कि हम लोग खाएंगे, लेकिन थोड़ा एक्सप्लोर कर लेने के बाद। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेवक जत्था लगा हुआ था जहाँ पे सब आके अपने फुटवेयर यहाँ पे दे रहे थे और डोनेशंस भी दे रहे थे। तो यहाँ से हमने सोचा कि चलो अंदर चलते हैं, थोड़ा सा मत्था टेकाते हैं, उसके बाद में बाकी का भी एक्सप्लोर करेंगे और खाना भी टेस्ट करके पता करते हैं कैसा बना है यहाँ पे।
यहाँ पे जो लंगर का लाइन लगा था वो बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि बहुत सारे काउंटर्स थे इसीलिए एक स्पेसिफिक पॉइंट में ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही थी और इजीली पब्लिक अपना अपना खाना लेके जा सकते थे। और इसी तरह लाइन में कुछ समय रुकने के बाद में हार्डली 2 मिनट या फिर 3 मिनट हमको रुकना पड़ा था, आ गया हमारा नंबर। सो एज यू कैन सी मेन्यू में था चपाती, राइस, पनीर मटर की सब्जी, दाल और सैलड। सो फाइनली खाना लेके सब लोग आ गए और हम लोगों ने स्क्रीन के सामने ही बैठना प्रीफर किया कि मतलब आगे स्टेज पे क्या चालू वो भी देखते रहेंगे और मील भी एंजॉय करेंगे। रुका है कि खाओ कि नहीं, इसका वीडियो डाल दो, अपलोड कर देना, देखो जाएगा सबका। एक मेरा हो चुका है और मैं असिस्टेंट, ये असिस्टेंट है, कैसा बैठा वो देख लो पहले। खाना तो यहाँ का बहुत ही टेस्टी था और खाने के बाद में थोड़े से पिक्चर्स हम लोग ने क्लिक किए अपने पूरे ग्रुप के साथ में, पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, और हम लोग वहाँ से निकल लिए। हमारे निकलते निकलते ही बज चुके थे रात के 10:30 और अब जाके क्राउड आने चालू हो चुका था। एज यू कैन सी एक साइड का रोड पूरा पैक्ड हो चुका है और एक साइड से पब्लिक चल के आ रही है। सो ये पूरी पब्लिक वहीं पे जा रही थी गुरुद्वारा में ही। तो कीर्तन और लंगर एंजॉय करने के बाद हम लोग चल दिए घर। सब काले काले दिख रहे हैं। सब लोग ने खाना खाया ना? चलो अच्छी बात है, चलो जाओ भागो। घर पहुंचने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट किया गया क्योंकि हमको पता था कि 11:30 बजे से तो मस्ती चालू होगी एरिया में। सो आगे का प्रोग्राम आप देख ही सकते हैं यहाँ पे।
सो इसी के साथ रात के बज गए 12 और आसमान पूरे पटाखों की रोशनी से जगमगा उठा। ये आगमन था 2023 का और 2022 का अंत। सो गाइस, विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस। कीप ग्रोइंग गाइस।